तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण चित्रों को देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर ये जानेंगे कि आपका जो कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पेपर होगा ना, उसमें आपसे कौन कौन से चित्र बनाने को कहा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, मानव पाचन तंत्र का चित्र आप लोग बिल्कुल बनाना सीख लो, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। इस प्रकार से देखिएगा, ये हमारे कोचिंग के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बनाया है। सबसे अच्छा चित्र देखिएगा कितना अच्छे तरीके से इसने बनाया है, और देखिएगा इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना बहुत अच्छे प्रकार से सीख लेना है, और ये बिल्कुल आपके पेपर के लिए आईएमपी चित्र है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इस मानव पाचन तंत्र का चित्र को बनाना अच्छे से जरूर सीख लें। आपको मैं पूरे के पूरे विज्ञान विषय में से कौन से चित्र आपसे पूछे जाएंगे सब कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। तो देखो, इसको आप लोग अच्छे से जरूर सीख लें, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो एक तो ये वाला चित्र आपका हो गया। अब देखो, एक दूसरा चित्र आपका ये रहा, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र। अब देखो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपका जो अध्याय 8 है ना, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग बनाना जरूर सीख ले, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिएगा कितना सुंदर तरीके से चित्र को बनाया गया है। तो आप लोग अगर इसी प्रकार से सुंदर तरीके से चित्र बनाकर आओगे ना पेपर में, तो बिल्कुल आपको इसका पूरा नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरा का पूरा जो चित्र मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप लोग बनाना सीख लो। ये बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, बिल्कुल आपसे 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको सुंदर तरीके से पेपर में परीक्षाओं में इसको बनाकर जरूर आना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपको मैंने 2 चित्र बता दिए जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है। तो इनको आप लोग बनाना जरूर सीख लें, और देखो नाम अंकित करना जरूर आप लोग सीख लें कि किसको क्या कहा जाता है। जैसे इसको वर्तिकार, इसको वर्तिका, और इसको अंडाशय। इसके बाद में देखो परागकोष, तंतु वगैरह सब कुछ आप लोग इसको सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा बनाकर आओगे ना, तो आपको पूरा नंबर इसका दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इसको अच्छे से बनाना जरूर सीख लेंगे। अब देखो एक और जो चित्र है ना आपका, वो ये रहा। कौन सा है ये देखिएगा, ये मानव नेत्र का चित्र है, और ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। इसको आप लोग बनाना जरूर सीख लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो इस चित्र को भी आप लोग बनाना सीख लेना। अब इसके अलावा कुछ और मैं आपको चित्र आपके विज्ञान की पुस्तक में से बता देता हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये वाला चित्र आप लोग बनाना सीख लेंगे। कौन सा वाला चित्र, यहाँ से देख लें आप लोग। देखो एक तो ये मानव हृदय का चित्र बनाना आप लोग सीख लें, जो कि आपका चित्र 6.10 दे रखा है। ये आपका अध्याय होगा, ये शायद अध्याय 6 है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग बनाना सीख लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला चित्र, मादा जनन तंत्र का चित्र बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। तो इसलिए आप लोग इसको बनाना अच्छे से जरूर सीख लो। अब इसके अलावा देखो एक और चित्र है आपका, किधर गया, शायद अध्याय 11 में मिलेगा वो। चलो देखते हैं, यहीं कहीं पर, यहीं पर मिल जाएगा वो। देखो आपको मैं बताता हूँ, कुल मिला के कांच के प्रिज्म का चित्र आपको सीखना है, और ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे प्रकार से बनाना जरूर सीख लें। चलो मैं आपको बताता हूँ, यहीं कहीं है यार, शायद ये अध्याय 11 में मिलेगा शायद। देखते हैं इधर, और आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी वैसे तो, मगर आप लोग पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, चित्र वगैरह को अच्छे से बनाना सीख लो, ताकि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से हल करके आ सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहीं कहीं पर चित्र था यार, वो किधर हो गया, देखते हैं। प्रिज्म वाला चित्र पीछे मिलेगा शायद, ये रहा, ठीक है ना। तो देखो एक ये वाला चित्र भी आप लोग बनाना सीख लोगे, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। कांच के प्रिज्म का चित्र इसे कहा जाता है, और इसको आप लोग बनाना जरूर सीख लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अपनी परीक्षाओं में अच्छे से हल करके आ सको। अब देखो इसके अलावा कुछ चिन्ह भी आपके पेपर में आते हैं, कौन कौन से चिन्ह पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको भी हल करके आ सको। देखो इस पार्ट में से कुछ चिन्ह आते हैं ये वाले, ठीक है ना, इनको आप लोग बिल्कुल याद करके जाना। देखो कैसे चिन्ह, वो क्या करेगा, प्रतीक बनाने, आपको ये लिख देगा विद्युत परिपथों के निम्न प्रतीक आपको बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे विद्युत सेल का इस प्रकार से बनाया जाता है, बैटरी का प्रतीक ऐसे बनाया जाता है, कोली प्लग का ऐसे, बंद प्लग का ऐसे, तार का, तार संधि का चित्र ऐसे, बिना संधि का तार ऐसे,
विद्युत बल्ब का ऐसे, प्रतिरोध का ऐसे, तो इनको भी आप लोग सीख लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के सभी वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पिक्चर मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप लोग अच्छे से बनाना जरूर सीख लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सको। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।